नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है बच्चों? आज हम अंग समर की कहानी सुनेंगे और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। तो अपनी बाल मात्री बुक निकालिए और पेज नंबर 19 खोलिए। तो अंग से बनने वाले शब्द शुरू करते हैं। अंग अंगूर, अंग अंगुली, अंग अंडे, अंग अंजू, अंग अंकिता और अंग अंकुर। अंग से अंगूठी। तो बच्चों, अब हम अंग स्वर की कहानी शुरू करते हैं। अंकुर बगीचे में खड़ा अंगूर खा रहा था। पास में बैठी अंकिता अंडों से खेल रही थी। अचानक एक अंडा टूट गया। यह देखकर अंजू आंटी ने उसे अपनी अंगूठी वाली अंगुली आगे बढ़ाकर डांट लगाई। तब अंकिता ने कान पकड़कर उनसे माफी मांगी। एक बार दोबारा से कहानी सुनते हैं। अंकुर बगीचे में खड़ा अंगूर खा रहा था। पास में बैठी अंकिता अंडों से खेल रही थी। अचानक एक अंडा टूट गया। यह देखकर अंजू आंटी ने उसे अपनी अंगूठी वाली अंगुली आगे बढ़ाकर डांट लगाई। तब अंकिता ने कान पकड़कर उनसे माफी मांगी। ठीक है बच्चों? बच्चों, आपको कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो अब मैं इस कहानी के आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और आप मुझे उसके उत्तर देंगे। अंकुर क्या खा रहा था? अंगूर। अंकिता किससे खेल रही थी? अंडों से। अंजू आंटी ने अंगुली में क्या पहना हुआ था? अंगूठी। तो बच्चों, आपने इस कहानी को याद करना है और अंग स्वर से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करना है और यही आपका होमवर्क है। ठीक है? ओके, बाय बाय।